बहुत अच्छा गया मैम. नाइस अच्छा था. पेपर बहुत इजी था. अब तो जो एडवांस है लग गया. चाहिए एडवांस. अराउंड 170. अराउंड 200. Hi, it is last day of JEE Main 2023 Session 1 exam. For some students now, target is going to be Session 2. For others, target is directly going to be JEE Advanced. हम लोग एक examination center के बाहर खड़े हैं. हमारे साथ कुछ parents भी हैं. Students आने ही वाले हैं, उनसे जानने वाले उनका target क्या रहने वाला है. And we'll also ask them how was their exam. But first, let's talk to the parents. आपका बच्चा कौन से institute में पढ़ रहा है? एलन में. एलन में पढ़ाई कर रहा है. तो आप भी आज आए हैं बच्चे के साथ में. तो क्या चल रहा है माइंड में बच्चा आने ही वाला एग्जाम देकर, उसका पूरी साल भर की मेहनत? साल भर की मेहनत है, अब देखें अब आने के बाद पता चलता है क्या की है. और आपका दिमाग में क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं, दिमाग में ये है कि बच्चे का बस एग्ज़ाम अच्छी जाए. जो उसको पढ़ाया गया जिस तरीके से एलएन में पढ़ाया गया वो उसका पूरा देकर आए अपना 100%. और कुछ नहीं चल रहा है, बाकी सब भगवान पे छोड़ा है कि अब जो करे. अपना पढ़ाई तो पूरा किया बच्चा, कोचिंग वालों ने पूरी मेहनत भी की है, अब देखें आगे क्या होता है. जी, आपका क्या कहना है मैम? मैम बिल्कुल सही. अब उतने दिनों बच्चों ने मेहनत किया, टीचरों ने मेहनत किया, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए. तो और आपका बच्चा भी यहीं पर है? हाँ. बताइए क्या चल रहा है? बहुत अच्छा है. टेंशन तो? बहुत नाम सुना है एलेन का. हम लोग बहुत दूर से आए झारखंड से, लेकिन हमको बहुत अच्छा. कितने टाइम से पढ़ रहा है बच्चा? तो हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं. तो आप एग्ज़ाम के लिए आए स्पेशली? हाँ, स्पेशली एग्ज़ाम के लिए. यहाँ पर हम पीजी में हैं, रूम भाड़ा लेके, लेकिन 6 मंथ 7 मंथ. तो क्या चल रहा है अभी दिमाग में बच्चे की साल भर की मेहनत, आप लोगों की इतनी मेहनत? हाँ, मेहनत तो बच्चे कर ही रहे हैं और साथ में साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं. उनके संग उनके वाली उनकी सुविधा की ध्यान रखा जाता है. और अभी पेपर दे रहा है, उम्मीद है अच्छा पेपर हो उसका और उसका भविष्य सुधरे. हाय, हाउ वाज योर एग्जाम? अच्छा रहा. नाइस, वेरी गुड. अच्छा गया एग्जाम मेरा? अच्छा था. अच्छा था. अच्छा था. अच्छा रहा मैम, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आएंगे. अच्छा रहा वैसे ओवरऑल. अच्छा हुआ मैम. एग्जाम वाज ग्रेट एज कम्पेयर टू लाइक द टाइम वी वर गिवन. अच्छा था मतलब उसके से. यस मैम. ठीक था. बहुत अच्छा गया मैम. बहुत अच्छा था. पेपर बहुत ईजी था, मतलब कोई ट्रिकी नहीं था. और मैं तो मतलब एलएन का ही स्टूडेंट हूँ. अगर किसी ने मटेरियल भी ढंग से किया होगा ना, मैथ्स वाज आल्सो वेरी इजी. ओके ओके. एग्जाम तो ठीक था कि सबसे टफ क्या था, सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट था? सारे इजी थे. इजी था, पूरा पेपर ही इजी था. मॉडरेट था, मैथ भी टफ नहीं थी. मैथ इजी थी, पीवाईक्यू रिलेटेड थे. फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी था, मैथ्स बड़ा टफ था. केमिस्ट्री सबसे इजी था और सबसे टफ था मैथ्स. मैथ्स टफ था, केमिस्ट्री इजी था. मॉडरेट था. मैथ्स थोड़ा हार्ड था और केमिस्ट्री इजी थी मेरे हिसाब से. तो मैथ्स थोड़ा टफ लगा. फिजिक्स आज की उतनी भी टफ नहीं थी, लाइक लास्ट 2 डेज से थोड़ी बेटर लगी मेरे को पर्सनली. और केमिस्ट्री भी इजी थी. फिजिक्स वाज फॉर्मूला बेस्ड एज ऑलवेज. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ज़्यादा था. फिजिकल के आई गेस वो सिर्फ उसमें थे न्यूमेरिकल्स में. और मैथ्स में लाइक आई वॉजेंट एबल टू डू क्योंकि मेरा छूट गया था, मेरी स्पीड सीधी रह गई. फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी थी एंड मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग था तो मैंने छोड़ा उसमें क्वेश्चंस. केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर अच्छा था, मतलब मॉडरेट भी नहीं, इजी कह सकते हैं उसको. और मतलब इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था. मैथ्स का था टाइम टेकिंग था, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज़्यादा ईजी थी. फिजिक्स और केमिस्ट्री तो काफ़ी ईजी थे, मतलब 1.5 घंटे में फिनिश हो गया था फिजिक्स केमिस्ट्री. मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ लगा मेरे को. फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इक्वली ईजी थी. मुझे अराउंड 1 आवर में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हो गया, बिकॉज वेरी थ्योरेटिकल इट वॉज. केमिस्ट्री अच्छी आई थी, फिजिक्स भी ईजी थी, बट मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी. मेरे लिए सबसे टफ तो मैथ्स था और ईजी फिजिक्स था. मैथ्स तो टफ आती है पर केमिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है मुझे आज तो. और एनसीईआरटी से कितना है? केमिस्ट्री एनसीईआरटी से थी और फिजिक्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि कम्युनिकेशन में डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन पूछा गया था, तो बाहर से कुछ नहीं था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था. केमिस्ट्री में था एनसीईआरटी और फिजिक्स में था. मैथ्स थोड़ा टफ था. मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे केमिस्ट्री के. एनसीईआरटी से ही ज़्यादा था केमिस्ट्री में तो. लगभग 60% एनसीईआरटी क्वेश्चन था. पूरा ओवरऑल एनसीईआरटी बेस्ड. केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी से थी और फिजिक्स भी थी. मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा था, कह सकते कंपेरेबल लेवल था एनसीईआरटी से. केमिस्ट्री में पूरा एनसीईआरटी हम पढ़े थे तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज हमको लगा कि एनसीईआरटी अगर पढ़ ले तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था केमिस्ट्री में. फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड थी. केमिस्ट्री भी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थी, लेकिन उसका एप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए, डिटेल्ड एप्लीकेशन. और मैथ्स तो नहीं कह सकते एनसीईआरटी बेस्ड. फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही थी, मतलब एनसीईआरटी की बीच बीच लाइन
को उठा के उन्होंने सीधे सवाल दे दिया था एसल्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप में, और कुछ मतलब ऐसा ट्रिकी नहीं था। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन तो हो जाएगा। ये बताइए टारगेट क्या रहने वाला है नेक्स्ट फोकस, सेशन टू एग्जाम या जे एडवांस? सेशन टू पे रहेगा डेफिनेटली, सेशन टू। अब तो जे एडवांस है। अगर इसमें मैम 98% से ऊपर आ जाता है तो एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दूंगा, और एल्स मेंस के लिए दूसरे वाले के लिए अच्छे से। जे एडवांस मैम, आई विल वेट फॉर द रिजल्ट फर्स्ट, देन लाइक देन आई विल सी व्हाट्स। दोनों ही मतलब ज़्यादा मिल जाए तो बुरा ही क्या है। सेशन टू में भी अपीयर करूँगी, एडवांस हो गया तो देखते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग। या सेशन टू भी देना है, एडवांस अगर मतलब निकल गया है दोनों में से किसी अटेंड में तो फिर एडवांस भी। जेई एडवांस, डायरेक्ट जेई एडवांस। सेशन टू, सेशन टू। एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं? 170-180 के आसपास। अराउंड 200, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 120-130 समथिंग। 80-90% आराम से मैम। 80-90% 170 अराउंड। अराउंड 170। सो दीज वर मिक्सड एंड जेन्युइन रिएक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ यू ऑल्सो हैड एग्जाम टुडे, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ वाज योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।